IPL सीजन 12 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, रोमांच और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कल दो मुकाबले खेले गए और इन दोनों मुकाबले में बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया, तो वहीं लगातार 6 हार के बाद विराट कोहली की RCB ने अपनी पहली जीत दर्ज की। आइए जानते हैं इन मैचों से जुड़े कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड एंड फैक्ट्स। IPL 2019 में शनिवार को खेले गए डबल हेडर मुकाबले में बेहद ही रोमांचक मैच देखने को मिले। कल खेले गए पहले मुकाबले में राजस्थान की टीम ने मुंबई को 4 विकेट से हराया, जबकि लगातार 6 हार के बाद विराट की RCB ने सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की। राजस्थान की इस सीजन 7 मैचों में से यह सिर्फ दूसरी जीत थी। राजस्थान के लिए जॉस बटलर ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं कप्तान रहाणे ने भी 37 रन बनाए। इसके साथ ही रहाणे ने राजस्थान के लिए सीजन पिछली 6 पारियों में 30 से अधिक रन बनाने का कारनामा भी कर दिया। कल रात के दूसरे मुकाबले में विराट कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। वो T20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक 8175 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने अपने ही हम वतन सुरेश रैना को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 8145 रन बनाए। इस मैच में RCB ने किंग्स 11 पंजाब को 8 विकेट से हराया। RCB की पिछले 7 मैचों में यह पहली जीत है। RCB के लिए कप्तान विराट कोहली और एबीडी विलियर्स ने अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं पंजाब के लिए क्रिस गेल ने T20 फॉर्मेट में एक बेहतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। RCB के लिए विराट और एबीडी विलियर्स IPL में सबसे अधिक रनों की साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गए हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2793 रन जोड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ 99 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले गेल T20 क्रिकेट में 100वीं बार 50 या उससे अधिक रन बनाने का कारनामा करने वाले बल्लेबाज बन गए। ये तो रही कल के मैच की बात, लेकिन आज सुपर संडे मुकाबले में भी दो बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिलेंगे। सबसे पहला मुकाबला CSK और KKR के बीच में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होगा। क्रिकेट से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए आप पढ़ते रहें wahcricket.com, और साथ ही साथ अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करना ना भूलें।